हाय दोस्तों, वंस अगेन मैं बसंत, मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि बिहार का निवास प्रमाण पत्र कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले करेंगे रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद से दोस्तों फायदा ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, जिससे फायदा होगा कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, मेरे वीडियो को आप सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीकों से। तो आप कोई ब्राउजर यूज करते हैं, जैसे मैं क्रोम यूज करता हूं, तो क्रोम यूज कर लीजिएगा। क्रोम पे यहां पे एड्रेस बार पे टाइप करना होगा आपको आरटीपीएस। आरटीपीएस टाइप करने के बाद से दोस्तों आपके सामने ऐसे इंटरफेस खुल के आएगा, आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। हमारा सुझाव है कि नोटिस पे क्लिक कीजिए। नोटिस पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहां पे आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, आप सारे पढ़ लीजिएगा कि किस समय क्या क्या करना पड़ेगा। और यहाँ पे समय दिया है कि कब से कब मान्य होगा, तो आप इस पे सेलेक्ट कर लेंगे और पढ़ लेंगे और उसके बाद से सेलेक्ट करेंगे इस पे। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद से दोस्तों आपके सामने ऐसे नाम लिखने के लिए आएगा, नाम लिख लीजिएगा। हिंदी में फिर से नाम लिखने के लिए आएगा तो आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं आवासीय प्रमाण पत्र और फिर से आपने नंबर जो अपना नंबर डाल दीजिएगा। नंबर डालने के बाद से दोस्तों आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके सामने बोलेगा वेरिफिकेशन के लिए, तो वेरिफिकेशन जो ये नंबर डाला होगा उस पर 4 अंक का कोड जाएगा दोस्तों। तो वो कोड का वेट कर लेंगे दोस्तों, थोड़ा सा कभी कभी वक्त भी लग जाता है। तो दोस्तों आप परेशान ना हो, और वीडियो आ चुका है मेरे मोबाइल पे मैसेज, और मेरे मोबाइल पे मैसेज आज मेरे मोबाइल पे मैसेज आ गया है। तो देखिए दोस्तों, गलत देखिए, आप इसके बाद से वेरीफाई कोड पे क्लिक करेंगे और वेरीफाई कोड पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे पिता का नाम पूछेगा, या आप अगर किसी औरत का बनाना है तो पति का नाम पूछेगा, आप वो डाल दीजिएगा। उसके बाद से अगर किसी लेडीज का बनाना है तो स्त्री कर दीजिएगा, अगर किसी जेंट्स का बनाना है तो पुरुष कर दीजिएगा। आप खुद कर रहे हैं तो आपको पता ही है क्या सेलेक्ट करना है। उसके बाद से दोस्तों आप अपना प्रमंडल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि मैं सहारनपुर मंडल का हूँ तो मैं वो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से अपना जिला सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप अपने हिसाब से आपका जिला जहाँ पे भी होगा। जिला सेलेक्ट करने के बाद से दोस्तों आपका प्रमंडल जहाँ होगा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। वो सेलेक्ट करने के बाद से दोस्तों आपका प्रखंड जहाँ होगा वो सेलेक्ट करने के बाद से अपना गांव, पंचायत, वार्ड नंबर, थाना, और उसके बाद से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद से दोस्तों आपके सामने ऐसे इंटरफेस खुल के आएगा। ये इंटरफेस खुलने के बाद से यहाँ पे बोल रहा है कि चेक मार्क लगाने के लिए, आप इस पे चेक मार्क लगा के सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद से दोस्तों आपके सामने ऐसे रिसीविंग बन के आ जाएगी। तो रिसीविंग बन के आ जाने के बाद से दोस्तों आप इसको प्रिंट कर लीजिए, या किसी और का बना रहे हैं तो प्रिंट करके दीजिए, अपना बना रहे हैं तो खुद रखे रहिए मोबाइल में आप किसी, और स्क्रीन वो कैप्चर स्क्रीन कर लीजिए और इसको रख लीजिए, या ये जो डेट दे रहा है इस डेट पे जाके आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक बटन दबा दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।